अब चला जाए। देखिए मटन मिल गया फाइनली बहुत दिन के बाद। देखिए हमारे घर की लता मंगेशकर का। ये देखिए मटन आ गया है, मटन को फूलने दे देते हैं, पानी में डाल के छोड़ देते हैं। ग्रोसरी सामान भी आ गया है और फिर जा रहा है अभी तुरंत चाय पीने के बाद फिर मार्केट जाएंगे, फिर अभी निकलेंगे तो रात हो जाएगा आते आते, तो फिर आके खाना वाना बनाएंगे, मटन बनाएंगे। तो अभी बस जस्ट चाय पी के निकलते हैं और मटन को डाल देते हैं। तब तक पहले हम लोग साथ में ही जाते लेकिन इतना सारा हो गया था, पहले बोले घर में ही सारा सामान रख देते हैं फिर निकलेंगे। ये देखिए बहुत दिन के बाद, लॉकडाउन में जब से इंडिया से आए तब से बाहर तो गए नहीं, मतलब मटन लाने तो गए ही नहीं थे, पर आज वेदर इतना अच्छा है ना कि अभी कितना 4 बजे है, हाँ 4 o'clock हुआ है। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद कितने 5 बजे निकले हमारे यहाँ, 8 बजे तक शॉप ओपन रहता है, 8 o'clock तक, तब तक आ जाएंगे फिर डिनर करते हैं। तब तक यहाँ पे धूप रहेगा ही, 8 बजे तक यहाँ धूप रहता ही है, फिर बनाया जाएगा मटन और आटा भी लगा के रख देते हैं। पहले उनसे पूछे हैं रोटी खाइएगा कि लच्छा पराठा क्या खाएंगे, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, आटा लगा देते हैं, मटन को डाल देते हैं, फिर चलते हैं। ये राइस को पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये जा नहीं रहे थे, हम बोले ठीक है चलते हैं पहले मटन ला के घर रख देंगे और कुछ सामान ग्रोसरी वाला, ग्रोसरी का शॉप भी वहीं पे है, अभी वही है घर के लिए, घर के लिए कुछ कुछ सामान लेना है और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। छन्ना 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 तेरा छन्ना, स्वागत है हमारे यहाँ। इतना ग्रोसरी है पूरा भरा हुआ है, ये मिल्क रहा है, यहाँ पैकेट वाला ही मिल्क मिलता है, और ये देखिए ये मिल्क कितने दिन तक चलेगा, और इधर भी पहले चाय पीती हूँ, इनको भी चाय दे देते हैं, चाय पीने के बाद मार्केट जाएंगे फिर से, आज मजा आएगा मटन खा के। चलिए हम लोग चाय पीते हैं। हेलो, तो चलिए एक बार चीयर्स हो जाए, सबको चाय दिखा दिया जाए, हमारा चाय ले इसे, चीयर्स। आइए आप लोग के लिए भी, ये देखिए मस्त चाय, ये ना जानबूझ के कर रहे हैं, जान सामान रख देते हैं फिर चलते हैं। वाह बहुत बढ़िया चाय है जानू, मजा आ गया। आज मेरी बीवी का सर दुख रहा है तो हम थोड़ा दबा दिए हैं, ठीक है अभी ठीक है, तो चाय वाय बना ली है, हम नहीं चाहते कभी मेरी बीवी का तबीयत खराब हो, हमेशा बढ़िया रहे, ये अगर बीमार तो सारा घर जो है ना कुछ नहीं हो सकता। मटन नाम सुनते ही ना आगे आ जान तुरंत, क्या खाइएगा मटन से, रोटी मुरमाली रोटी या तो लच्छा पराठा अच्छा लगता है, रोटी 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 नहीं, रोटी मजा नहीं आएगा जाता समझे, वो भी बहुत एक्साइटेड है मटन खाने के लिए बहुत दिन से। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर किचन में। ये देखिए मेरा मटन धुल गया, हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया, ये हमारा मटन रहा, इसको मैरिनेट हम कर देते हैं। आधी लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल देते हैं, सरसों का ऑयल हम डाल लें थोड़ा सा, और डाल देंगे हम यहाँ पे दही, यहाँ पे हम थोड़ा सा दही डाल रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से मिला देते हैं। चलिए इसको अब हमको कुछ नहीं करना है, ढक के छोड़ देना है आधे से 1 घंटे के लिए, ये मेरा मैरिनेट हो जाएगा, ये हमने ढक के रख दिया है। वेलकम बैक, चलिए आ गए फाइनली अब किचन में, ऑनियन मेरा कट गया है, अब मटन बनाया जाए, मैं ऑलरेडी थक गई हूँ बहुत ज्यादा, सारा सामान लाए अब
जल्दी जल्दी मटन बनाओ नहीं तो वो सो जाएगा। मैंने आटा गूंद दिया है, ऑनियन कट हो गया है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे हमने ऑनियन को बस क्रश कर लेते हैं। आंखों में आंसू आ रहा है, हमको ओनियन को बस तोड़ लेना है एकदम अच्छे से। वो झांस है ओनियन में, आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखें लाल हो गई ओनियन के कारण। नॉर्मली मैं करती हूँ ओनियन कट के पानी में रख के फिर थोड़ी देर के बाद उसको, क्योंकि लाल वाला प्याज में सॉरी लाल वाला प्याज में बहुत झांस होता है। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरा मटन मैरिनेट हो गया है, लगभग 3 घंटे हो गए, 4 बजे छोड़े थे ना, 8 बजने वाला। चलिए अब बनाया जाए, कुकर में बनाएंगे बट सीटी नहीं लगाएंगे, बनाएंगे सोचे थे शाही मटर कोरमा बनाएंगे, लेकिन अभी इतना लेट हो गया है कि अब हिम्मत नहीं है। हमारे सारे खड़े गरम मसाले हैं, मटन बनने में अच्छे से 1 से 1.5 घंटे आराम से लगेगा, तो 10 बजे तक लगता है मटन ही बनेगा। ये हम यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज कर रहे हैं, वो तो अच्छा था कि बर्तन वगैरह मेरा अभी क्लीन है थोड़ा सा है, ये तो अभी और टाइम लग जाता। सारे बर्तन को तो मैं मशीन में डाल के गई थी, कुछ बड़े बर्तन बचे हुए हैं जैसे चाय वाय वाले, तो वो है उनको बाद में धोएंगे, तो फटाफट का काम किया जाए। मसाला गर्म हो गया, ऑनियन डाल दिया है, इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं, ऑनियन डालेगा फिर वो चाय मांगने आए हैं, चाय फिर बनाना पड़ेगा। अभी मैं चाय नहीं बनाऊंगी, अभी मैं काम करूंगी। चलिए इसको कम करके छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में चेक करते हैं कम गया, ढक्कन में नहीं मिल। ये ऑलमोस्ट हो गया है, टमाटर में नहीं डालती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा डाल ली हूँ ताकि अच्छा फ्लेवर आए। चलिए 5 मिनट और इसको ढकते हैं फिर डालेंगे। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए प्याज गल गया है, ये मेरा मटन, अब हम इसमें डाल देते हैं। ये रहा, इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट डाल के फिर ढक देंगे। तक मसाला डाल लेते हैं, ये मेरा हो गया है, क्योंकि इस बार हम इंडिया से ये भर भर के लाए हैं। ये मीट मसाला है, MDH का मीट मसाला यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये वाला प्लास्टिक, ये वाला जो पैकेट मिलता है ना, ये वाला पैकेट का पता नहीं क्यों मुझे लगता है फ्लेवर अच्छा लगता है। जीरा पाउडर, किचन किंग डाल देते हैं, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं, ये वाला क्या कश्मीरी वाला डालते हैं तो ऋषि खा लेता है, अदरवाइज हरी मिर्च नहीं डाले हैं, वो नहीं खा पाएगा फिर, उसको मटन बहुत पसंद है तो मटन वो खाता है अच्छे से। ऋषि आके देख रहे हैं, मटन बनने में तो टाइम लगेगा ना, तब तक हम किचन क्लीन कर लेते हैं और उसके लिए रोटी बना देते हैं। और ये ऑनियन फ्राई किया हुआ ऑनियन थोड़ा सा ऊपर में, ज्यादा नहीं डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑनियन डाले हैं ना, 4 ऑनियन डाले हैं। फिर से हम इसको ढकते हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया जाए, पहले अपने लिए थोड़ा सा ड्रिंक बनाते, तो मैं पीने वाली हूँ अभी ड्रिंक फिर से। ये पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ज्यादा काम रहेगा तब तो मैं पीती हूँ, तो वो मटन हो रहा है, ये आराम से टाइम लगेगा उसको बनने में। ये हमारा मटन देखिए, मसाला मिल गया है, चिपक रहा है, हमारा किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। जब आप मार्केट जाओ
के बाद आओ अलग फिर खाना बनाना बहुत काम हो जाता है। काश यहाँ काम वाली कोई बाई मिलती तो ये आपको दिखाते हैं। फिर ये देखिए झंडा देखिए हम कुकर का ढक्कन ही बंद कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसको सिझा रहे हैं। अब फिर थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये हमने एक गिलास पानी डाल दिया है, चलिए इसको ढक देते हैं फिर से। मटन हो ही गया है, क्लीनिंग भी हो गया, बस 10 से 15 मिनट में मटन हो जाएगा। बर्तन वगैरह क्लीन हो जाएगा ना तो बस उसका रोटी ही रहेगा, तो जल्दी से उसका रोटी हो जाएगा, वो खा लेगा बेटा। देख रहे हैं मटन बनने में तो टाइम लगता है, सिर्फ मटन है तो टाइम नहीं। आप मार्केट गए हो, मटन लाए हो, फिर तो सारा काम किए, उसमें तो टाइम जाएगा। तो थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक मैं रोटी बना देती हूँ। बन रहा है, बस थोड़ी देर हो, ये अपने मटन के लिए वेट कर रहा है। बस हो गया बेटा, आप प्लेट निकाल लीजिए। ये देखिए ग्रेवी इसका कितना अच्छा कलर दिया, ये रहा उसका मटन। ये हमारा मटन बन गया, ये हमारा मटन। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाते भी देख लेते हैं। बहुत ही लाजवाब, थैंक यू। वेलकम। बहुत दिन हो गया खाए ना? बहुत दिन, इंडिया में खाए थे उसके बाद तो यही खाया। बढ़िया लग रहा है, और ये लच्छा पराठा है ना। चलिए अब हम लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छा बना है, टेस्टी मिशन मटन हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बाय बाय।